Hi guys, welcome back to my channel. This is Shiv from Marine Life with Shiv. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? खूब, आपकी हॉबी अच्छी चल रही होगी और आप अपना टाइम अच्छी तरह से स्पेंड कर रहे होंगे. So guys, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मरीन लाइट टाइमिंग एंड शेड्यूल के ऊपर. टाइमिंग शेड्यूल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक्सेस ऑफ लाइट आपके टैंक में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इसीलिए आज का वीडियो आपके लिए है. सो मरीन टैंक रिलेटेड आपको सब कुछ जानना है तो आप राइट चैनल पे हो, इसीलिए यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड टू मरीन टैंक सेटअप. तो चलते हैं गाइस, आज का टॉपिक जो कि है रीफ लाइट, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं और जानेंगे कि जो मेरी लाइट है वो कैसे दिखती है. आपको टैंक अच्छा दिख रहा है, लुक बहुत अच्छा है ना? तो ये लाइट कैसे बनी और क्या क्या किया और क्या क्या चीज का ध्यान रखना है. सो ये जो गाइस लाइट है इसको मैंने खुद डिजाइन किया है और अपने हिसाब से मैंने इसको डिजाइन किया है और जिस तरीके से मुझे चाहिए वो हिसाब से मैंने इसको बनाया है. यहाँ पे हमने फ्रेम लिया है जिसके अंदर हमारी एलईडी लाइट्स को हमने माउंट किया है और केबल्स की हेल्प से, जो कि प्योर एसएस के केबल हैं, लॉन्ग लास्टिंग, कभी भी लाइफ में जंग नहीं लगेंगे, यानी कि रस्ट, इसके ऊपर कभी रस्ट नहीं होएगा. इजीली एडजस्टेबल है, आपको हैंगिंग करना है कहीं पे भी तो हाइट पे आप इसको हैंग कर सकते हैं और नीचे लेके आ सकते हैं. नाउ यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं गाइस, रीफ समुंदर जो है वो ऑलमोस्ट 70% ब्लू है, राइट? उसके बाद आते हैं व्हाइट कलर एंड देन आता है रेड और ग्रीन, पर्पल. हर एक कलर के कलर जो है मिक्स होते हैं तब जाके आपके टैंक की ब्यूटी बनती है. तो यहाँ पे जो हमने एलईडी लाइट यूज की है ब्लू में विथ यूवी मिक्स एलईडी लाइट है. कंपनीज अलग अलग है गाइस, एलईडी चिप जो है वो हमने एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी यूज की है. लोकल कंपनीज बहुत एलईडीज बनाती है लेकिन आपको जो इफेक्ट चाहिए आपके टैंक में वो आपको नहीं मिलेगा. इसीलिए अच्छी लाइट यूज कीजिए, क्योंकि ये एलईडीज लाइट अगर जो आपको ऑर्डर करनी है तो आप भी अपने टैंक पे ऑर्डर कर सकते हैं. जैसे कि मैंने बताया, आप कहीं पे भी बैठे हुए कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं एंड इसका जो ऐप है वो गूगल सपोर्टेड है, यानी कि आपके घर में अगर जो गूगल प्ले है तो आप गूगल से उसको प्ले कर सकते हैं. सो ये व्हाइट लाइट जो हमने ऐड की है उसको भी ऑन कर लेते हैं. ऐप की हेल्प से आप इसको कहीं पे भी बैठे हुए अपनी लाइट को ऑन कर सकते हैं. अब इसको हम ऑफ कर देते हैं. यहाँ पे शेड्यूल भी दिया हुआ है, ये देखिए. जैसे यहाँ पे मैंने शेड्यूल डाला है मॉर्निंग 10 AM टू रात के 8 o'clock, यानी कि 10 AM टू 20 PM, ये शेड्यूल है. इस हिसाब से आप भी अपने शेड्यूल में इसको कर सकते हैं गाइस. और लास्ट में जो है वो दिया हुआ है टाइमर, यानी कि कितने टाइम के लिए आपको लाइट ऑन करनी है, कितने टाइम के लिए बंद करनी है, वो चीज आप कर सकते हैं. इस तरीके से आप अपनी लाइट ऑपरेट कर सकते हैं गाइस. ये सो यहाँ पे व्हाइट हमने 30% दिया है एंड ब्लू यूवी मिक्स हमने यहाँ पे 70% दिया है. अब ये मेरा टेस्ट है, वो हिसाब से मैंने आपको दिखाया और इसका रिजल्ट भी है, तो इसीलिए मैं इसको आपके सामने यूज करूंगा, लाइफ लॉन्ग चलते रहेंगे आगे, क्योंकि गाइस कंपनी मेरे लाइट बहुत एक्सपेंसिव है. लेकिन अगर जो वो ही चीज आपको अच्छे रेट में मिलती है तो क्यों आप इतना एक्सपेंस करोगे, राइट? एंड ऑफ द डे आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए. अच्छे रिजल्ट के लिए अगर जो आपकी DIY लाइट काम कर रही है तो व्हाई यू विल वेस्ट द मनी, यू कैन सेव दैट मनी और आपके टैंक में आप लगा सकते हैं, राइट? तो ये जो है DIY लाइट है जो कि मैंने खुद डिजाइन की है एंड इन फ्यूचर अगर जो आपको भी चाहिए आई हेल्प यू आउट गाइस. तो चलते हैं
रीफ मरीन लाइफ रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो डिस्कस करते हैं। मरीन टैंक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लाइट, जैसे कि चार पिलर मैंने बताए थे, उसमें से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लाइट, क्योंकि अगर जो आपकी लाइट अच्छी है तो आपके टैंक में सब कुछ अच्छा ग्रो होगा, आपके कोरल्स, आपके इन्वर्टिबेट्स, आपके एल्गे जो कि है पर्पल बेनिफिशियल या फिर ग्रीन। नाउ अगर जो आपको सही रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको अच्छी लाइट लेनी बहुत जरूरी है गाइस। तो अच्छी लाइट कैसे लें? कंपनीज बहुत महंगी महंगी लाइट बनाती है, राइट? आपके माइंड में सिर्फ ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि आपके जो टैंक में लाइट चाहिए वो सही मात्रा में मिल रही है, जैसे कि लाइट जो है पावर में काउंट की जाती है और कैलोरीज। तो गाइस लाइट जो है वो कैसी अच्छी मिलेंगी? अगर जो हम कंपनी मेडेड लेते हैं तो बहुत महंगी होती है, लेकिन मैंने ऑलरेडी डीआईवाई लाइट बनाई है, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, और अगर जो नहीं जानते हैं तो गाइस आज के वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। आप लोगों में से कुछ लोगों ने डीआईवाई लाइट ली भी है जो कि बार लाइट है और बहुत खुश भी है, क्योंकि जब मैंने ये हॉबी स्टार्ट की थी वो टाइम पे आई वॉज नॉट हैविंग दैट मच मनी कि मैं जाके लूं, क्योंकि वो टाइम पे मुझे नॉलेज नहीं था कौन सी सही लाइट है, क्या सही है और कितने बजट में आएंगे। जब समझ में आया तो बहुत एक्सपेंसिव लगी, 45, 50, 25,000 and 15 mAh, ये बड़ा टैंक है। तो जब वो लोग लाइट बना सकते हैं why can't we, वो मेरे दिमाग में आया एंड उसके बाद मैंने अपनी खुद की DIY लाइट बनाई। अगर जो आपको भी ऑर्डर कर रहे हैं तो आप बार लाइट जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहां पे आप जाके उसको चेक कर लीजिएगा। और अगर जो ये आपको ऑर्डर करनी है तो ऑन योर रिक्वेस्ट मैं आपके लिए स्पेशली बना के भेज दूंगा गाइस, सिर्फ रिक्वेस्ट के ऊपर, क्योंकि आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क, आई एम बिजी, बट आपको कहीं पे लाइट का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है एंड अगर जो आप नहीं बना पा रहे हैं, स्पेशली मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है डीआईवाई लाइट के ऊपर कैसे बना रहे हैं, क्या करना है, रिफ्लेक्ट हो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आई विल हेल्प यू आउट, आपके लिए मैं डीआईवाई लाइट बनाऊंगा। एंड ऑब्वियसली हर एक चीज की एक फीस होती है, बहुत बड़ी नहीं छोटी फीस रहेगी गाइस, बट आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस चलते हैं और जानते हैं कि आपके टाइमिंग जो है लाइट के कितने होने चाहिए। लाइट जो है जिस तरह से समुंदर सूरज उगता है सुबह और शाम होते होते डूबता है, उस हिसाब से आप समझिए कहीं पे 7 o'clock, कहीं पे 6:30, कहीं पे 6 o'clock सूरज उग जाता है। तो सूरज जब उगता है धीरे 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 लाइट बढ़ती है और 12 बजे से लेके 3 बजे तक अच्छी रोशनी होती है, मतलब सूरज बहुत तपते हैं, राइट? तो लाइट भी उस हिसाब से होनी चाहिए। जब आप सुबह स्टार्ट करते हैं तो वो टाइम पे स्लोली यानी कि धीरे धीरे बड़े लाइट 12 से लेकर 3-4 बजे तक आपके टैंक में फुल लाइट होनी चाहिए। उसके बाद 4 बजे के बाद धीरे 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 7-8 मैक्स आपका टैंक शट हो जाना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज को आराम चाहिए, हर एक चीज को रेस्ट चाहिए एंड इवन योर लाइट्स नीड्स अ रेस्ट। तो इस हिसाब से आप अपना शेड्यूल जो है, जैसे कि मैंने ऐप में बताया है कि ब्लू लाइट जो है 75% रखिएगा, जो कि टाइमिंग के हिसाब से आपको लंबा रखना है। आप 10 घंटा आप ब्लू लाइट को रख सकते हैं और 6 घंटा या फिर आप अपने टाइम में 4 घंटा मैक्स 5 आवर्स मिनिमम 4 आवर्स के लिए व्हाइट लाइट को ऑन करिए, आपके टैंक में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि अब जैसे कि ये नया टैंक मैंने बनाया है इसमें आपको मैं आगे रिजल्ट दिखाऊंगा, इन फ्यूचर आपके सामने सब कुछ होएगा एंड यू विल सी क्या चेंजेस है जब हमने स्टार्ट किया और बाद में विद द सेम लाइट।
बहुत से लोग अपने टैंक में लाइट 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा 16 घंटा ऑन करके रख देते हैं, उसके कारण आपके टैंक में एलगे आता है। ये देख रहे हैं एलगे, ये ओवर लाइट के कारण है। तो आपके टैंक में ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपके टैंक में मैक्सिमम टाइम 10 आवर्स का रखिए लाइट का। क्योंकि आप अगर जो अपने घर में लेट आते हो तो आप ये सोचते हो कि मैं जब आऊं घर में तो वो टाइम पे लाइट ऑन रहनी चाहिए, इसलिए आप उतने टाइम तक लाइट ऑन रखते हो। बट आप ये चीज का ध्यान दीजिए कि आप अपने शेड्यूल के हिसाब से टाइमिंग लगाएं। अगर जो आपको ये चाहिए कि मैं जब ऑफिस से घर पे आऊं तो मेरे को लाइट ऑन होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आप दोपहर के टाइम पे, आफ्टरनून के टाइम पे आप अपना टाइम ऑन कीजिए। क्योंकि इंडोर में आपका टाइम है तो टाइमिंग तो इंडोर के हिसाब से आपको रखना है, उसमें कोई इशू नहीं है। आप अपने हिसाब से स्टार्ट कीजिए, जैसे कि दोपहर को 2 बजे स्टार्ट कर लीजिए, मॉर्निंग में नहीं स्टार्ट करके, मॉर्निंग में 10 o'clock नहीं स्टार्ट करके आप 2 o'clock स्टार्ट कीजिए या फिर 4 o'clock स्टार्ट कीजिए, और वो हिसाब से जब आप ऑफिस से आए 8 बजे 9 बजे 10 बजे तो वो टाइम वैसे लीजिए आप। और अगर जो आपकी नाइट शिफ्ट है तो आप वो हिसाब से देख लीजिए, आप नाइट में टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडोर में है, बाहर नहीं है कि रोशनी सूरज की आएगी। वो हिसाब से आपके जो टैंक के कोडल्स हैं, आपका जो टैंक के इन्वर्टी बेड्स है और आपकी फिशेस, वो चलेगी नहीं, यहाँ पे आपके हाथ में सब कुछ है। आप अगर जो ओवरनाइट देंगे एलगे आएगा, आपके टैंक में नाइट्रेट बढ़ेगा, फॉस्फेट बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगा, सब प्रॉब्लम्स आएगी, राइट? आपके पूरे रॉक्स खराब हो जाएंगे, फिर आप सोचेंगे क्या करें। तो आपके टैंक में लाइटिंग ओवर नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान दीजिएगा। शेड्यूल के हिसाब से चलिए, टाइमिंग के हिसाब से रखिए और आप अपना रिजल्ट अच्छा देखें। सो गाइस, होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि डीएवएल लाइट और जो कंपनी में रेड लाइट है क्या फर्क है। अगर जो आपके बजट में कंपनी लाइट लेने का है तो नो इश्यूज, आप लीजिए। लेकिन ये जो नहीं ले सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो डीएवएल लाइट बना सकते हैं। अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे खुद की लाइट में खुशी होती है गाइस, क्योंकि इन फ्यूचर अगर जो इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है आई कैन रिपेयर इट इजिली, उसका ड्राइवर चेंज कर सकता हूँ और एलईडी रिप्लेस करनी है, बॉडी खराब नहीं होती है गाइस, और प्रोग्रामिंग चेंज करना है तो प्रोग्रामिंग भी बाहर है। ये चीज कंपनी जो है सब असेंबल कर देती है, क्योंकि मोनोपोली होता है। यहाँ पे हम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, लेकिन अगर जो बचाना है तो आप भी बचा सकते हैं दिमाग लगा के, राइट? तो होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए हैप्पी मरीन लाइफ।